हाय गाइस, आई एम बैक। मैं पूजा हंसनीकर आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत करती हूँ। आर यू मैरिड? ये सवाल जब भी पूछते हैं ना लोग आपको, कोई लोग बहुत खुश हो जाता है यस आई एम मैरिड, कोई लोग बहुत दुखी हो जाता है यस आई एम मैरिड, कोई लोग होता है चुप, पूछ रहे हो भाई, कन्फ्यूजन होता है बताऊँ या नहीं बताऊँ। ये सवाल ही ऐसा है कि लोग ऐसे सोचते हैं कि यार पता नहीं मैं मतलब कौन सी दुनिया में आ गया। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ, आज इसी के ऊपर बात करेंगे। आर यू मैरिड, टू हुम, विथ हुम, विथ वॉट। सो ये जो कंटेंट है ये कंप्लीट यूनिक है, इंस्पिरेशन है, एक ऐसा कंटेंट है जो आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। मेरे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और आप मुझे पहली बार अगर देख रहे हैं तो मेरा नाम पूजा हंसनीकर है, एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, एक स्कूल की प्रिंसिपल हूँ, टीचर हूँ, ट्रेनर हूँ एंड एक लाइफ कोच हूँ। तो ये टॉपिक लाने का मेरे पीछे का मकसद ये है। उससे पहले लाइक आई फॉरगॉट टू टेल, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल का बटन है साइड में उसको भी दबाइएगा। हफ्ते में एक बार वीडियो लेकर आती हूँ, हफ्ते में एक बार वीडियो फ्रेश होके इंस्पायर होके ज़रूर देखिएगा और ये वीडियो आपको एक अलग लेवल पे ज़रूर लेके जाएगा। सो चलते हैं वीडियो की ओर। आर यू मैरिड, विथ होम? ये सबसे बड़ा सवाल होता है, क्या किसके साथ शादी की है तुमने? मेल बोलता है मैं फीमेल के साथ शादी की है, फीमेल बोलता है मैं मेल के साथ शादी की है। ये तो नॉर्मल है ना कॉन्सेप्ट, मैं कुछ अलग बताने वाली हूँ। आपने शादी की है अपने काम से। जो लोग काफ़ी हद तक बिजी रहते हैं ना अपनी लाइफ के 14 आवर्स सिर्फ काम 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 और काम ही करते हैं, दे आर मैरिड टू देयर वर्क। और वो उनके लाइफ में ना काम के अलावा कुछ नहीं रहता है। आप कभी भी उनसे बात करो, काम के अलावा उनके लाइफ में कुछ नहीं रहता है। सो दे आर मैरिड टू देयर वर्क। शायद आपको पता चल रहा है मैं किस टॉपिक के ऊपर बात कर रही हूँ। आप अपनी लाइफ को किस लेवल पे लेके जा रहे हो, अपने दिन के 24 आवर्स को आप कहाँ बिता रहे हो, उसके रिलेटेड ये वीडियो है कि इफ़ यू आर स्पेंडिंग योर मैक्सिमम टाइम विद समथिंग विच इज़ आइदर गिविंग यू हैप्पीनेस, विच इज़ आइदर मेकिंग यू न्यूट्रल और विच इज़ मेकिंग यू मोर सैड। तो आपको आज नोटिस हो जाएगा कि आप किसके साथ मैरिड हो। तो सबसे पहला पार्ट था कि आप अगर अपने काम में 14 टू 16 आवर्स दे रहे हैं, मतलब यू आर गेटिंग, यू हैव गॉट मैरिड टू योर वर्क। अब इस वर्क में आपको देखना है कि यार सच्ची में आप 17 घंटे 14 घंटे काम कर रहे हो तो क्या वो आपको खुशी दे रहा है, दुख दे रहा है? सेकेंड थिंग, कुछ लोग होते हैं जो पूरा टाइम से फिटनेस 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 करते हैं, सो दे आर मैरिड टू जिम, फिटनेस ट्रेनर, पता नहीं लाइक कैसे कर लेते हैं यार दिन के 24 घंटे में से 10 घंटे 12 घंटे सिर्फ एक्सरसाइज करते हैं, खाना भी चुन चुन के खाते हैं, मतलब जीते कैसे हैं? लाइक आई एम रियली सरप्राइज कि जीते कैसे हैं। 4 आवर्स दे गो इन जिम, नाश्ता ब्रेकफास्ट लाइक लंच डिनर जो भी करेंगे वो एकदम ऐसे कैलोरीज काउंट काउंट करके करेंगे एंड काउंट काउंट करके आप जियोगे। सो आर यू हैप्पी और सैड, सोच लीजिएगा। थर्ड थिंग, आर यू मैरिड टू स्ट्रेस? काम के वजह से स्ट्रेस, नींद नहीं आती है, दुखी हो, यू आर मैरिड टू योर स्ट्रेस। स्ट्रेस एक ऐसी बड़ी चीज़ है जो आपके लाइफ को कम्प्लीटली अलग लेवल पे लेके जाता है। आप इतना पैसा कमा रहे हो साथ में स्ट्रेस भी कमा रहे हो, तो यू आर मैरिड टू वॉट स्ट्रेस। तो ये आपको देखना है कि आप अपने लाइफ के 24 आवर्स में से आप 6 घंटा सो रहे हो और बाकी घंटे से स्ट्रेस ही ले रहे हो, सो यू आर मैरिड टू स्ट्रेस। फोर्थ थिंग, यू आर मैरिड टू मनी। किधर भी जाओ कुछ भी करो सिर्फ पैसा 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 और पैसा, नींद में भी पैसे के बारे में सोचेंगे, मतलब इतनी मदहोशी है पैसे के लिए, इतना प्यार शायद किसी ने किया ही नहीं होगा, सो दे आर मैरिड टू मनी। कुछ लोग होते हैं मैरिड टू बुक्स, अरे उठते जागते टॉयलेट नहाते, सॉरी मैंने ये भी देखा है लोग बाथरूम में भी बुक्स रखते हैं, आई डोंट नो क्या मतलब, कैसे भीगते नहीं है क्या? मैरिड टू बुक्स, किताबी कीड़ा बोलते हैं हम उसको, सोते वक्त भी बुक्स के बारे में सोचते, इतने लाइब्रेरी भर देते हैं बुक घर के अंदर, पता नहीं जैसे बुक्स के बिना उनकी जहान है जिंदगी है पता नहीं क्या है। दिस ऑल थिंग इज देयर। अब मैं इसके पीछे का रीज़न बताती हूँ कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं। एक नॉर्मल लाइफ क्या होती है, नॉर्मल लाइफ कि आप अपने लाइफ को एक बराबर टाइम अपने काम को देते हो, बराबर टाइम आप अपने नींद को देते हो, बराबर टाइम अपने फैमिली को देते हो, बराबर टाइम खुद को देते हो और एक बराबर सा टाइम अपने डेवलपमेंट को देते हो। दैट एक
पैरामीटर होता है अपनी लाइफ का, पर एक इक्वली डिवाइडेड टाइम आप देते हो सारी चीज़ों को, दैट वी से इट इज़ इन कम्प्लीट। आप एक नॉर्मल पर्सन हो, कम्प्लीट लाइफ जी रहे हो, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं। आई गिव एन स्मॉल एग्जाम्पल, आई मेट अ फ्रेंड फ्यू डेज बिफोर, ही सेड मी दैट आई गो एट वर्क एट 6:30, मैं 6:30 मुझे ऑफिस जाना है, तो मैं घर उठता हूँ अराउंड एट 4:30 एंड मैं ट्रैवल करता हूँ एंड 6:30 मैं ऑफिस पहुँचता हूँ। एंड सेट गुड ना, यू आर गोइंग सो अर्ली, यू स्टार्ट योर डे अर्ली, तो उस हिसाब से 8 घंटा होता है और यू शुड कम। तो ही सेड नो, आई कम बाय 9:30। आई सेड लाइक 9:30 मतलब कितना घंटे काम कर रहे हूँ, यू आर मोर देन लाइक 12-14 आवर्स, लाइक ये क्या है। ही सेड मी दैट यार मैं क्या करूँगा घर आके, वॉट विल आई डू व्हेन आई कम टू माई होम, आई गेट हॉन्टेड विथ सम थॉट्स, मैं परेशान हो जाती हूँ कुछ ऐसे ऐसे ख्याल से, ऐसे ऐसे सिचुएशन जो बैक में हुई है दैट इज हॉन्टिंग मी, और वो हॉन्ट के कारण मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे लाइफ में ऐसा कुछ आए। प्लीज एक्सक्यूज विद दैट बैड बैकग्राउंड नॉइज, बिकॉज मैं घर पे शूट कर रही हूँ एंड आई कैन अवॉइड इट, मेरे घर में इतने सारे लोग रहते हैं, सो प्लीज एक्सक्यूज इट, मेरी बातों के ऊपर ध्यान देना। सो लेट्स कम टू द टॉपिक, अगर आप अपनी लाइफ को यूनिफॉर्मली डिवाइड करके हर एक चीज़ को टाइम नहीं दे रहे हो, मीन्स आप मैरिड टू समथिंग हो। सो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, आप 4-5 चीज़ें मैंने बताई है, तो यू आर मैरिड टू ऑल दिस स्टफ। तो आज का एक वीडियो बताता है आपको हाउ यू कैन लीव योर लाइफ इन एन यूनिफॉर्म वे, इन एन बैलेंस्ड वे, एंड मेक योर लाइफ ग्रोथ डबल। इफ जैसे हम बोलते हैं कि हम अच्छे से 8 घंटे की नींद, 6 घंटे की नींद सोते हो, तो अपने आप को हम रिस्टार्ट करते हैं, फ्रेश करते हैं। तो अपने आप को रिस्टार्ट और फ्रेश करने के लिए नींद बहुत ज़रूरी है। आप अपने नींद का समय भी अगर आप काम में या जिम में या बुक्स में या पता नहीं किस किस चीज़ में आप बिता रहे हो, तो दैट इज गोइंग टू इफेक्ट योर लाइफ। फिर अगर आप 6 घंटे की नींद पूरी नहीं कर पा रहे तो ये चीज़ें होने वाली है। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि अपने लाइफ का वर्क जो है, कोई लोग होते हैं कि वर्क 24 आवर्स करना चाहते हैं बट नींद भी ज़रूरी है करके, कोई ऐसा भी है जो 24 आवर्स काम करता है, नाइट शिफ्ट, मॉर्निंग शिफ्ट, आफ्टरनून शिफ्ट, पता नहीं क्या करते हैं वो लोग, उनकी मजबूरियाँ भी हो सकती है, किसी किसी की मजबूरियाँ भी हो सकती है, पर बहुत सारे लोग हैं जो डिप्रेशन को दूर करने के लिए अपने आप को शादी कर लेते हैं काम से। सो टू अवॉइड दैट, इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट गेट टाइम फॉर योर ओन सेल्फ इवन। तो सबसे पहला जो अपना टाइम है दैट इज 6 आवर्स फॉर योर ओन स्लीप, वेरी नेसेसरी, उसको अवॉइड बिल्कुल भी मत कीजिएगा। 6-8 आवर्स अच्छे से स्लीप करना है, एक सक्सेसफुल पर्सन भी 6-8 आवर्स सोता है। सेकेंड थिंग इज दैट योर मी टाइम, योर ओन स्पेस। जब आप अपने मी टाइम में भी अपने आप से प्यार करोगे, मैरिड टू योर ओन सेल्फ, अगर अपने खुद को खुद के साथ मैरिज करते हो, खुद को प्यार करते हो, खुद को पैम्पर करते हो, खुद को बिलीव करते हो, खुद को वक्त देते हो, तो ऑटोमेटिकली यू विल स्टार्ट लविंग योर ओन सेल्फ। और जो खुद से प्यार करता है वो खुद को हर्ट कभी नहीं करता। कोशिश करके देखिएगा खुद से प्यार करना, जितना आप किसी सेकंड पर्सन से प्यार करते हो तो दूसरे पर्सन को जितना प्यार करते हो उतना ही प्यार अगर आप खुद को करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके लाइफ को एक अलग लेवल पे ले जाओगे आप। ये ज़रूर कोशिश करना, इसके ऊपर मैं एक नेक्स्ट टाइम वीडियो लेकर आऊँगी, हाउ टू गेट मैरिड टू योर ओन सेल्फ। देन सेकेंड थिंग आता है, जब आप मी टाइम अपने आप को देते हो, यू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ, योर एनर्जी आप रिजुविनेट करते हो, देन आपके लाइफ में आपके हेल्थ के प्रति एक टाइम ज़रूरी है। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि आप पूरा टाइम सिर्फ हेल्थ के बारे में सोचो, दैट इज़ रियली नॉट गुड, वो कॉम्प्लेक्स कर देता है दिमाग को और बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हो, तो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस इज ऑल्सो हार्मफुल। तो हेल्थ के प्रति भी उतना ही समय दीजिए विच इज़ नेसेसरी। अकॉर्डिंग टू मी 1 आवर अ डे इज मोर देन इनफ टू गिव फॉर योर एक्सरसाइजेस एंड योर मॉर्निंग, जो आप एक्सरसाइज रिलेटेड रूटीन करते हो, योगा करते हो, जिम करते हो, जो भी करते हो, 1 आवर इज ओके फॉर योर एनी काइंड ऑफ हेल्थ टू रिजुविनेट, 1 आवर इज ओके। देन कुछ लोग होते हैं ना, नहाने में और पता नहीं क्या क्या करने में ना बहुत सारा समय बिता देते हैं, तो वो जो समय होता है वो बहुत कम करना है।
आपको देखना है कि आप डोमेस्टिक वर्क में कितना टाइम दे रहे हो। जो लोग ना छोटा सोचते हैं ना, वो छोटे ही रह जाते हैं। जो लोग बड़ा सोचते हैं और छोटी चीज़ को इग्नोर करते हैं ना, वो बहुत बड़े लेवल पे जाते हैं। तो अगर अपने लाइफ को आपको सक्सेसफुल बनाना है, एक अलग लेवल पे ले जाना है, तो ये छोटी जो चीज़ें हैं ना, जिसके ऊपर आप मतलब कम टाइम दे सकते हो, जैसे कौन से कपड़े पहनने हैं, कपड़े के मेकअप पे सजाने के लिए इतना टाइम दे देते हो ना, तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू एनी बेनिफिट, इट्स रियली टाइम वेस्ट। तो ये करने से अच्छा है कि आप अपना वो सारा टाइम किसी और चीज़ में यूटिलाइज करो। तो जैसे मैंने बताया, 6 घंटे की स्लीप, 1 घंटे का एक्सरसाइज और 8 घंटे का, 6 घंटे का जॉब इज इनफ। तो 6 घंटे का जॉब, 6 घंटे का, 8 घंटे का जॉब, मैक्सिमम 10 आवर्स, नॉट मोर देन दैट। मोर देन दैट अगर जवानी हो तो आप बोलते हो कि नहीं जवान है कर लेंगे, हो जाएगा, बट इन फ्यूचर हाफ, लाइक लेटर हाफ, इट इज़ गोइंग टू एग्जॉस्ट यू, इट इज़ गोइंग टू लाइक यू आर गोइंग टू डाई विथ ऑल दिस स्ट्रेस, ट्रोमा, बीमारी, पता नहीं क्या क्या। तो ये सारी चीज़ें होने से अच्छा है यूनिफॉर्मली डिवाइड करना बहुत ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा है कि मैं क्या बात कर रही हूँ। मैं ये कंप्लीट कंटेंट जो लेकर आई हूँ, दैट इज़ रिलेटेड टू योर ओन सेल्फ अवेयरनेस। यू शुड लव योर ओन सेल्फ एंड देन डिवाइड योर टाइम इन सच अ मैनर दैट यू डू जस्टिस टू योर ओन सेल्फ। देन ये सारे करने के बाद द एंड रिजल्ट विल बी रियली यूनिक, वेरी ग्रोथ, मोटिवेशनल एंड इंस्पिरेशन टू योर ओन सेल्फ। जब आप एक यूनिक अपना जो टाइम है, टाइम टेबल है, वो बहुत यूनिक और एक अच्छा टाइम टेबल बनाते हो, जो अपनी लाइफ को एक प्रोग्रेस लेवल पे लेके जाते हो, आप खुद दूसरे के लिए इंस्पायर बनते हो, आप खुद दूसरे को एक बैलेंस पर्सन की तरह दिखाते हो, तो ये बहुत ज़रूरी है। सो आशा करती हूँ ये वीडियो जो है वो आपको एक मोटिवेशनल दिया होगा, इंस्पायरिंग दिया होगा और आपको एक अलग लेवल पे ज़रूर लेकर गया होगा। तो इसके ऊपर सोचिएगा ज़रूर कि आप किसके साथ शादी की हो, आप किसके साथ मैरिड हो। और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मैं आपके साथ दोबारा, एक नए कंटेंट के साथ दोबारा ज़रूर आऊँगी। थैंक यू, बाय बाय।